हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का चौथा पार्ट है जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्नोत्तरी का यह दूसरा पार्ट है। पार्ट वन में हमने कंप्लीट किए थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम्स की दृष्टि से जो अक्सर पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। और पिछले वीडियो को अगर आपने मिस किया है, पिछले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के वीडियोज हैं तो उनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज लर्न इजी की लिंक आप वहां से प्राप्त करके ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग दो की। तो इसको शुरू करने से पहले हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विज्ञान की भाग एक में जो पांच सवाल पूछे थे उनके आंसर की चर्चा कर लेते हैं जिनके जवाब अपेक्षाकृत काफी कम लोगों ने दिए थे। तो सबसे पहला सवाल था मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना था। तो हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है मानव खोपड़ी में। दूसरा सवाल था सोनार का प्रयोग क्यों किया जाता है या कहाँ किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो समुद्री जहाज होते हैं उनमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। तीसरा सवाल था शुष्क बर्फ क्या होती है। तो CO2 शुष्क बर्फ होता है, CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है ये आपको बताना था। तो टमाटर में जो लाल रंग है उसका कारण लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और पांचवा सवाल था मानव मूत्र का pH मान क्या होता है। तो मानव मूत्र के pH मान की जो रेंज है वो 4.8 से 8.4 तक होती है। और इस वीडियो के लास्ट में भी आपके लिए पांच सवाल होंगे और काफी ज्यादा इजी सवाल है तो उम्मीद करते हैं कि आप उनके जवाब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आइए शुरू करते हैं पार्ट टू में क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है RNA का मुख्य कार्य क्या होता है। RNA का मुख्य कार्य क्या होता है। मानव शरीर में RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है। RNA के द्वारा जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण किया जाता है। सवाल नंबर दो प्रोटीन किसका बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है ये सवाल नंबर दो है। तो इसका जवाब है एमिनो एसिड का बना होता है। जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड का बना होता है। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सवाल नंबर तीन की परम शून्य ताप कितना होता है। सवाल नंबर तीन है परम शून्य ताप का मान क्या होता है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो परम शून्य ताप का मान जो होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। सवाल नंबर चार अक्रिय गैसों की खोज किसने की। अक्रिय गैसों की खोज किसने की। तो अक्रिय गैस की खोज रेंजे ने की, रेंजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की। क्वेश्चन नंबर पांच है हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है। जो मानव शरीर में हार्मोन्स होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है वो मानव शरीर में घटित होने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। जो भी हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर पांच दूध में खट्टेपन का क्या कारण होता है। जो दूध हमें खट्टा लगता है जो खट्टा हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है। दूध में खट्टापन आने का कारण क्या होता है। तो वो जीवाणुओं के कारण ही खट्टा होता है। जब दूध में जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है तो दूध खट्टा लगने लगता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सात की जी का मान पृथ्वी तल पर कितना होता है। जी का मान जो कि पृथ्वी तल पर पृथ्वी के केंद्र पर
ध्रुवों पर और विषुवत जो विषुवत रेखाएं होती हैं उन पर अलग अलग होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर कितना होता है? तो पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अशुद्धियां मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब यदि किसी द्रव्य में हम अशुद्धियां मिला देंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? तो अशुद्धियां मिलाने पर जो द्रव्य है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। सवाल नंबर 9, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं? जो खिलाड़ी होते हैं वो तत्काल ऊर्जा पाने के लिए, तुरंत एनर्जी पाने के लिए वो किस चीज का प्रयोग करते हैं या फिर क्या यूज करते हैं? तो खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं तत्काल ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। सवाल नंबर 10, जल में हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? जो पानी होता है, पानी में जब हवा का बुलबुला होता है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, मतलब वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो जो जल में हवा का बुलबुला बनता है वो जो अवतल लेंस होता है उसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। सवाल नंबर 11, कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, इन सब की चर्चा हम अपने विज्ञान की सीरीज में कर चुके हैं। अगर आपने उसको देखा होगा तो ये सवाल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है? तो समतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का सबसे अच्छे तरीके से परावर्तन होता है या फिर सबसे अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। सवाल नंबर 12, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है या मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 14, टीएनटी का पूरा नाम क्या है? टीएनटी का पूरा नाम क्या है? टीएनटी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो टालुइन होता है, ट्राई नाइट्रो टालुइन को शॉर्ट में टीएनटी कहा जाता है। सवाल नंबर 15, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जब डबल रोटी का निर्माण होता है तो उसमें किसका प्रयोग होता है? तो डबल रोटी के निर्माण में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 16, तो अगला सवाल है, गोताखोर अपने सिलेंडर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, वो अपने सिलेंडर में कौन सी गैस लेकर जाते हैं? तो गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को गोताखोर अपने सिलेंडर में कैरी करते हैं जिसका उपयोग वो सांस लेने में करते हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 17, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। आगे बात करते हैं धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जो धूप का चश्मा हम प्रयोग करते हैं धूप से बचने के लिए, तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है, 0 डायोप्टर धूप के चश्मे की क्षमता होती है। और दोस्तों इसमें जितने भी सवाल हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। और आगे बात करते हैं सवाल नंबर 19 की, तो 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से प्राप्त की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 20 की, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सवाल नंबर 20 है, दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 21 की,
मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब मानव मलेरिया से ग्रसित होता है, मलेरिया रोग से ग्रसित होता है, तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा या तिल्ली जिसको बोलते हैं, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। सवाल नंबर 22, मूल रंग कौन कौन से हैं? जो बेसिक कलर हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मूल रंग तीन होते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है। RGB जो है वो हमारे मूल रंग होते हैं जिनसे हम बाकी के रंग प्राप्त करते हैं। मूल रंग की चर्चा हमने अपने विज्ञान के विस्तृत चैप्टर में की है, आप वहां से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 23 की, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम के कार्य सिद्धांत को क्या कहते हैं, या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सवाल नंबर 24, नोबेल गैस किसे कहा जाता है? नोबेल गैस किसे कहा जाता है, ये सवाल नंबर 24 है। तो नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है, हीलियम नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 25 की, टीबिया, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर में टांग में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26, मनुष्य में पाचन कहाँ से आरंभ होता है? जो भोजन ग्रहण करते हैं उसकी पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है वो मुख से ही आरंभ हो जाती है। सवाल नंबर 27, रक्त समूह की खोज किसने की, या रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की, लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। सवाल नंबर 28 है, दिए में तेल किस प्रक्रिया से ऊपर चढ़ता है? जो लैंप होता है या जो दिया होता है उसमें जो तेल होता है वो किस प्रक्रिया से ऊपर पहुंचता है? तो दिए में और लैंप में जो बत्ती पे तेल ऊपर चढ़ता है वो केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 29 की, क्वेश्चन नंबर 29, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। सवाल नंबर 30, दूध से मक्खन किस क्रिया से निकलता है, या फिर दूध से जो मक्खन निकालने की क्रिया है वो कौन सी है, या फिर दूध से मक्खन किस सिद्धांत से निकाला जा सकता है? तो दूध से जो मक्खन प्राप्त किया जाता है वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा, जो अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया होती है, तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही हम दूध से मक्खन प्राप्त करते हैं। सवाल नंबर 31, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट की गति के कार्य सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो रॉकेट की गति के कार्य सिद्धांत को जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सवाल नंबर 32, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जब हम समुद्र के जल को देखते हैं तो हमें नीला प्रतीत होता है, तो उसका कारण क्या है? तो समुद्र का जल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम समुद्र के जल को नीला देख पाते हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 33, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सवाल नंबर 34, रेगिस्तान में पाई जाने वाली मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, या जो मृग मरीचिका की घटना होती है उसके पीछे क्या कारण होता है, किस कारण वह हमको मृग मरीचिका प्रतीत होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको रेगिस्तान में मृग मरीचिका दिखाई देती है। आगे बढ़ते बात करते सवाल नंबर 35 की,
तो न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के जो तीन गतिविषयक नियम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो वो किस सिद्धांत पर, तृतीय नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि इसका नियम है, तृतीय नियम, प्रत्येक वस्तु की जो क्रिया होती है उसकी बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं तो उसकी बराबर प्रतिक्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो ये जो न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 36 की। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक मात्रा में मिश्रित होने वाला तत्व कौन सा है? या फिर हाइड्रोजन के साथ समिश्रित होने वाला, सबसे अच्छे तरीके से समिश्रित होने वाला तत्व क्या है? जो हाइड्रोजन के साथ सबसे अच्छे तरीके से अधिक मात्रा में मिश्रित हो जाता है वो कार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक मात्रा में समिश्रित होता है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 37 की। अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? जो अस्थायी चुंबक होता है वो किसका बनाया जाता है? जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है वो किसका बनाया जाता है? तो नर्म लोहे के द्वारा अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 38 की। तो स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? जो अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक जो है वो आपका इस्पात के द्वारा बनाया जाता है। इस्पात के द्वारा हम स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। सवाल नंबर 39, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? वह पौधा जो मरुस्थल में उगता है उसको क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है, या मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। श्यानता की इकाई क्या होती है? सवाल नंबर 40 है, श्यानता की इकाई क्या होती है? तो पॉइज श्यानता की इकाई है, पॉइज श्यानता की इकाई है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 41 की। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल के द्वारा हम कुनैन को प्राप्त करते हैं। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। सवाल नंबर 42 है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? या फिर दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो केसीन नामक प्रोटीन होता है वो दूध में पाया जाता है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 43 की, 43, अंडे में प्रोटीन किस भाग से प्राप्त होता है? अंडे में प्रोटीन किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो अंडा फोड़ते हैं उसका जो सफेद भाग होता है, उजला हुआ भाग होता है, उससे हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। सवाल नंबर 44 की बात करते हैं, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? जो शहद होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? हनी का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 45 की, क्वेश्चन नंबर 45, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट, वो बर्फ की कितनी होती है? तो 80 किलो कैलोरी बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। और ये सवाल कई बार एग्जाम से पूछा गया है और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल भी है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। आगे बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? कब लिख गया है लेकिन सबसे कम कहाँ पर होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण है जी, उसका मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान सबसे कम होता है। और जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जी के मान से संबंधित क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन एक एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो जी के मान, जैसे कि जी का मान पृथ्वी के तल पर कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, विषुवत रेखा पर कितना होता है, और ध्रुवों पर कितना होता है, ये चार सवालों से एक सवाल आपका इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है, एक सवाल अक्सर पूछ दिया जाता है। तो जी के मान की वैल्यू कहाँ पर कितनी होती है ये इम्पॉर्टेंट है। सवाल नंबर 48, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी युक्ति के द्वारा परिवर्तित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम विद्युत मोटर के द्वारा परिवर्तित करते हैं।
विद्युत मोटर के द्वारा जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मानव के द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है। मानव ने सबसे पहले कौन से रेशे को संश्लेषित किया, तो मानव के द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन है। नायलॉन मानव के द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन कैसे किया जाता है। जो पुरानी चट्टानें होती हैं, जो पुरातत्व विभाग जिसकी जांच करता है, तो पुरानी चट्टानों की जो आयु होती है तो उसकी गणना किस हिसाब से की जाती है, तो उसमें हम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा हम पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, उसमें मैंने बात की थी 0 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में मापी जाती है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। सवाल नंबर 52, चुंबक का चुंबकत्व कैसे समाप्त करेंगे। चुंबक जो होता है उसका चुंबकत्व समाप्त करने की विधि क्या है। चुंबकत्व समाप्त करने से आशय चुंबक की जो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्षमताएं हैं उसको कैसे नष्ट करेंगे। तो चुंबक को चुंबकत्व को समाप्त करने की दो विधियां होती हैं, पहला पीट कर और दूसरा गर्म करके। या तो हम चुंबक को पीट पीट कर या फिर उसको गर्म करके उसके चुंबकत्व को समाप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम दाब बढ़ा देते हैं तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक घट जाता है, बर्फ का जो गलने का रेट होता है वो कम हो जाता है, जो गलनांक है बर्फ का वो दाब बढ़ाने से घट जाता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोकल में जो बर्फ के वेंडर होते हैं वो बर्फ को ढक के रखते हैं, उसका कारण यही होता है कि बर्फ को ढकने से उस पर दाब बढ़ता है और दाब के बढ़ने से उसका गलनांक जो है वो कम होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है। एलिसा टेस्ट कौन से रोग में लिया जाता है या एलिसा टेस्ट का संबंध किस रोग से है, तो HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट का संबंध HIV की जांच से है। सवाल नंबर 55, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो इसका उत्तर है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सवाल नंबर 56, परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई। परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई, तो रदरफोर्ड थे उनके द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की गई। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 57, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो ओ जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता कहलाता है, रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं। सवाल नंबर 58 जो है, क्वेश्चन नंबर 58, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, वर्णांधता में जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, वर्णांधता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता है। जिस मनुष्य को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता है, कौन से रंग को पहचानने में उसमें दिक्कतें आती हैं, तो लाल और हरे रंग की पहचान वर्णांधता से ग्रसित मनुष्य नहीं कर पाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। जैसे पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37, तो इसी प्रकार सूर्य के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 42 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग का मान सूर्य के लिए होता है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 61, नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो नॉन स्टिकी बर्तन में जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है नॉन स्टिकी बर्तनों में। सवाल नंबर 62,
सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से जो असीमित ऊर्जा निकलती है उसका सूर्य उसका जो स्रोत है वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्वेश्चन नंबर 64। द्रव्य धातु कौन सी है या द्रव्य धातु किसे कहते हैं? तो पारे को द्रव्य धातु कहा जाता है। जो पारा है, मरकरी है, उसको द्रव्य धातु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? जब रात में आसमान में तारों को देखते हैं तो हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आसमान में तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मधुमेह रोग क्यों होता है? मधुमेह रोग का कारण क्या है? तो मनुष्य में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 67। 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? जो हमारा शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। गोल्ड हमारा 24 कैरेट का प्योर होता है, और जो 18 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें प्योर गोल्ड कितना होता है? तो 18 कैरेट के गोल्ड में 75% प्योर गोल्ड होता है, शुद्ध सोना 75% होता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। किस यंत्र के द्वारा तने की वृद्धि दर को मापा जाता है? जो पेड़ का तना होता है उसकी वृद्धि दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ऑक्सीनोमीटर के द्वारा, जो ऑक्सीनोमीटर होता है उसके द्वारा हम वृक्ष के तने की वृद्धि दर को मापते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। फलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं? तो पामोलॉजी शाखा के अंतर्गत। पामोलॉजी जो शाखा है, तो पामोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम फलों के भी फलों का अध्ययन करते हैं। सवाल नंबर जो 70 है, हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है युगलीना। युगलीना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये 75 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर साथ में थे, और आगे अब 5 क्वेश्चंस हैं जो इनके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर्स आप जरूर कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, या कौन सी युक्ति के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा का, वो ध्वनि ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है? सवाल नंबर 2, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? जैसा कि अभी चर्चा की, जी के मान से रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछा जाता है। बाकी सारे जी के मान की वैल्यू मैंने इसी वीडियो में बताई है, और एक जो बचा हुआ है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, वो आपको बताना है। और सवाल नंबर 3 आपके लिए, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? सवाल नंबर 4 है आपके लिए, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जो कैप्सूल होता है उसका आवरण किसका बना होता है? ये सवाल नंबर 4। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सफेद सोना किसे कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? ये सवाल नंबर 5 है, और इन 5 के आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगले वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 5 लेकर आएंगे, जिसमें वो अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की आंसर्स के साथ चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।